आज यहाँ मेरी कोई पहचान नहीं, मैं सिर्फ सचिन समर्थक के ऊपर नहीं तो मेरे भगवान सचिन के ऊपर क्यों कर रहे हो? आज यहाँ महाराष्ट्र क्या भूमि मध्ये जर भारत रत्न चा अपमान होत असेल तर कसं काय सहन करणार? सचिन से प्यार करने वाले और सचिन को भगवान मानने वाले खिलाड़ी है, आपको खेलने वाले खिलाड़ी मान ले रहे हैं। खेल एक अलग चीज है, पार्टी भी एक अलग चीज है, सचिन देश की शान है। वी सपोर्ट सचिन, वी सपोर्ट सचिन, वी सपोर्ट सचिन, वी सपोर्ट सचिन, वी सपोर्ट सचिन। मेरा नाम मेरे भगवान से जुड़ा हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सचिन समर्थक के नाते आया हूँ। आज यहाँ मेरी कोई पहचान नहीं, मैं सिर्फ सचिन समर्थक हूँ। इनके ट्वीट पर जिस तरह से एक्चुअली देखिए, मैं आपको कहना पर ये क्या क्यों जांच की गई है? क्या उसके समर्थन में आप जांच करेंगे लोगों पर? मैं आपको आज ये मैं सचिन साहब की ट्वीट पढ़ाता हूँ। इंडिया सॉवरेनिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी स्पेक्टेटर्स बट नॉट पार्टिसिपेंट्स। Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation. We the youth is united as a nation. And we will not tolerate any such action. May our God, Bharat Ratna Sachin Tendulkar, has been brought by Maharashtra government. भारत देश के सम्मान में सचिन साहब ने ट्वीट किया, ये भगवान सचिन साहब ने ट्वीट किया। इंडिया सॉवरेनिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी स्पेक्टेटर्स बट नॉट पार्टिसिपेंट। इंडियंस नो इंडियन शुड डिसाइड फॉर इंडिया, लेट्स रिमेन यूनाइटेड एज अ नेशन। पूरे विश्व भर से क्या पूरे विश्व के एम्बेसडर्स टू इंडिया डिप्लोमेट्स ने ट्वीट किया, तो क्या आप उनकी भी कार्रवाई करेंगे? उनको भी अटैक करेंगे? आप उनके ऊपर भी प्रॉब ऑर्डर करोगे क्या? तो उनके ऊपर नहीं तो मेरे भगवान सचिन के ऊपर क्यों कर रहे हो? क्या लगता है राज्य सरकार के द्वारा जिस तरह से जांच के आदेश दिए गए, सचिन ने एकता समग्रता की बात की, देश को एक रखने की बात की? देखिए मैं आपको वही कह रहा हूँ, वही तो पूछने के लिए हम सचिन साहब के समर्थक में आए हैं। और सचिन साहब मैं हम सब पूछते हैं कि भाई देश के लिए देश के समर्थन में ट्वीट करना कब से गलत हो गया? वहाँ वो शर्जील उस्मानी एल्गार परिषद में बोलता है कि देश को मैं तोड़ूंगा, अनेक जातियों के ऊपर वो वार करता है, उनके ऊपर प्रोब नहीं हो रहा, हमारे सचिन साहब के ऊपर प्रोब हो रहा है, जो भारत रत्न है, भारत रत्न समस्त विश्व में उन्होंने लॉर्ड्स वानखेड़े, लॉर्ड्स दुनिया के सभी टॉप स्टेडियम में जाके उन्होंने भारतीय झंडे को बुलंद किया। सचिन ये है, वी सपोर्ट सचिन, वी सपोर्ट सचिन, सचिन 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 सचिन। आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को एक ही मांग करता हूँ कि कृपया करके सचिन साहब के बंगले के पास जाकर हमें एक ही बार सपोर्ट सचिन का नारा लगाने दीजिए। प्रशासन हमें कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे भी सितारे हैं जो देश के विरोध में ट्वीट करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं। वही तो हमारा भी है, इस माध्यम से मैं वही कहना चाहता हूँ कि वहाँ वो आप तो ट्वीट की बात कर रहे हैं, मैं आपको कहूंगा भरी सभा में, एल्गार परिषद के भरी सभा में वो शर्जील उस्मानी बोलता है देश की जातियों को तोड़ने की बात करता है, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता को तोड़ने की बात करता है, तो वहाँ उसके ऊपर भैया कार्रवाई नहीं करेंगे हम, पर मेरे भगवान सचिन साहब के ऊपर अब कार्रवाई करेंगे। देखिए हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जाना चाहते हैं, हमने पुलिस को भी सहकार्य किया, इसीलिए हमने सभी लोगों ने सारे सहकार्य करते हुए हमने कहा कि सर हमको केवल सचिन साहब के बंगले के पास जाने दीजिए, हमको एक वी सपोर्ट सचिन, ये हमारा नारा है। तो बोलो भैया वी सपोर्ट सचिन, बस ऐसे ही हम आपके चैनल के माध्यम से जो नारे लगाए वही नारे सचिन साहब के घर के पास लगाए और चले जाएंगे। सचिन भारत माता की जय, वी सपोर्ट सचिन, वी सपोर्ट सचिन, वी सपोर्ट सचिन, चल जमा।
Inkalab, 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 ink